15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था, यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हुकूमत का दखल कम से कम हो और लोग अपने हाथ में बागडोर अपनी ले। हाँ, जो बड़ी उसूली बातें हैं वो निश्चय हों। तो ये एक दूसरी बात याद रखने की है कि इस गज से हम नापे हिंदुस्तान की तरक्की, वो एक ही गज है। किस तरह से यहाँ के 40 करोड़ लोग बढ़ते हैं, कैसे बढ़ती है कौम, ये आकाशवाणी ध्वनि अपनी मेहनत से रिकॉर्डिंग है। कैसे गरीब कौम खुशहाल होती है, अपनी मेहनत से। कोई जाके औरों की खैरात से तो उठते नहीं लोग। तो अगर हमारे लोग बढ़ेंगे तो अपने परिश्रम और मेहनत से, जिससे वो पैदा करें, दौलत पैदा करें, धन पैदा करें, जो मुल्क में फैले और मुल्क दुनिया के खुशहाल मुल्क हैं। बाज गरीब खुशहाल मुल्कों को आप देखिए, कैसे हुए हैं खुशहाल मुल्क, मेहनत से और परिश्रम से। चाहे यूरोप के, चाहे अमेरिका के, चाहे कोई एशिया के मुल्क जो हों, ऐसे खुशहाल हों। सबों के पीछे मेहनत है, परिश्रम है, दिन और रात की मेहनत है और एकता है। दो चीज़ों ने उनको बढ़ाया, बगैर इसके नहीं कोई बढ़ सकता। हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। कोई जादू से हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दुनिया चलती है इंसान के काम से, इंसान की मेहनत से सारी दुनिया की दौलत पैदा होती है। चाहे ज़मीन पर किसान काम करता है या कारखाने में या दुकान में या कारीगर, उससे काम चलता है। कुछ बड़े अफसर दफ्तरों में बैठ के इंतज़ाम करते हैं, वो दौलत नहीं पैदा करते हैं। दौलत पैदा करता है किसान अपनी मेहनत से या कारीगर या। तो हमें अपने काम, अपनी मेहनत को बढ़ाना है।